अगर किसी व्यक्ति पर संकट आ जाए तो ज्योतिषी कहते हैं कि आप 3 रत्ती का या 5 रत्ती का नीलम रत्न धारण करो, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन तब क्या हो जब एक पूरा देश ही संकट की स्थिति से गुजर रहा हो, तो श्रीलंका के साथ भी यही स्थिति है। लेकिन श्रीलंका में अब एक बेहद बड़ा 310 किलोग्राम का नीलम मिला है। इस नीलम की कीमत का आकलन इस तरह वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है कि इस नीलम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वहाँ के आर्थिक मुद्दे को पूरी तरह हल किया जा सकता है। और इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए वर्ल्ड के जो बेस्ट रत्न विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जा रहा है और वो इसको चेक भी कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े नीलम की कीमत का आकलन वो लगा ही नहीं पा रहे। वैसे गाइज, आपके हिसाब से ये नीलम रत्न कितने रुपए का होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई आपसे पूछे कि BMW खरीदने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या जवाब देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि यही सेम क्वेश्चन एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने सर रतन टाटा जी से पूछ लिया कि सर आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। तो काफ़ी देर सोचने के बाद रतन टाटा जी ने आंसर दिया कि लगभग 5 साल लग जाएंगे। इस पर वो रिपोर्टर बोला, सर आप तो इतने ज़्यादा अमीर हैं, तब भी आपको एक BMW कार खरीदने में 5 साल लग जाएंगे। तो रतन टाटा जी हंसे और बोले, अच्छा तुम एक कार की बात कर रहे हो, मैं पूरी BMW कंपनी की बात कर रहा था। तो गाइस, इससे आपको क्या सीखने को मिला, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब एक ऐसी मशीन आ गई है जो कि सादा पीने के पानी को किसी भी तरह की शराब में या किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक में बदल देती है, लेकिन वो रहता पानी ही है। और ऐसा काम ये मशीन हमारे दिमाग को भ्रमित करके करती है। दरअसल हमारा दिमाग किसी भी लिक्विड का अंदाज़ा 3 चीज़ों से मिलकर लगाता है, जिनमें से पहला है कलर, दूसरा है किसी भी चीज़ की स्मेल और तीसरा है किसी भी चीज़ का टेस्ट। तो ये मशीन इन 3 चीज़ों को बदल देती है। कलर को बदलने के लिए इस मशीन में LED लाइट्स लगी हुई हैं, उसके अलावा स्मेल को बदलने के लिए इस मशीन में फ्लेग्रेंस सेंसर लगा हुआ है, और तीसरी चीज़ टेस्ट, उसको बदलने के लिए इस मशीन में कुछ इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे कि आप अपने मोबाइल से सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी ड्रिंक पीनी है, और आपके दिमाग को सेम उसी ड्रिंक का अनुभव होता है। अपने देश में आपने देखा होगा कि लोगों को जहाँ पर भी खाली दीवार दिख जाए, लोग मौका पाकर वहाँ पर पेशाब कर देते हैं, और ऐसे लोगों को रोकने के लिए दीवारों पर जबरदस्त डायलॉग्स भी लिखे रहते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है उनकी दीवारों पर रिपेल पेंट का यूज़ किया हुआ है। ये इस तरह का रिपेल पेंट होता है जिस पे कि कोई भी व्यक्ति अगर पेशाब करता है तो वो लौटकर उसी के ऊपर आ जाती है। इससे दीवारें गीली भी नहीं होती और उनको किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होता। वैसे गाइस, इस तरह के पेंट का यूज़ क्या अपने भी देश में होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका फ़ोन आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है और आपको महसूस हो कि जैसे फ़ोन वाइब्रेट हुआ है, किसी का मैसेज आया होगा या कोई नोटिफिकेशन आया होगा, और जब आप उसको निकाल कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पर तो कुछ नहीं आया। ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं, ये दिक्कत लगातार सबके साथ बढ़ती जा रही है। इसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके तहत हमारा दिमाग मोबाइल का इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका होता है कि वो हमारी बॉडी को ऐसे सिग्नल भेजता रहता है जिससे कि हमें महसूस हो कि हमारा मोबाइल वाइब्रेट हुआ, और हम उसको निकालें, उसको देखने लगें और हम उसको यूज़ करने लगें। लोगों में ये समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है। कुछ लोगों में तो ये इस हद तक बढ़ जाती है कि लोगों को लगता है जैसे कि उनके फ़ोन की रिंगटोन ही बज रही हो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?